एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है आयोनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं हम क्या करते हैं। एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। आपको पता है ना वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो आयंस में स्प्लिट करे, जो आयन में डिसोसिएट करे, और वीक का मतलब जो कम डिसोसिएट हो, मतलब आयंस में कम डिसोसिएट हो। अब उस इलेक्ट्रोलाइट का नाम है ए बी। ठीक है, और जो सी जो है वो उसका इनिशियल कंसंट्रेशन है, मतलब शुरू शुरू में जो उसका कंसंट्रेशन है ए बी टूटने से पहले, डिसोसिएशन से पहले उसका कंसंट्रेशन सी है। और जो अल्फा है वो उसका डिसोसिएशन है, मतलब अल्फा जो है वो उसका डिसोसिएशन है। देयरफॉर जो मोलर कंसंट्रेशन होगा डिफरेंट स्पीशीज का बिफोर एंड एट इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम से पहले और इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम क्या, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो चलो हम देखते हैं, अच्छे से समझिएगा ये ई के रिएक्शन क्या लिखा हुआ, इक्विलिब्रियम रिएक्शन। ए भी जो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट था एक्वस सोल्यूशन में, वो ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, यहाँ पे बी नेगेटिव है, एक्वस में टूटा। ये जो है ये इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। अब यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो इसका कितना है, सी, ये तो हमें बताया हुआ है। और ए कैटायन और बी एनायन का ये कंसंट्रेशन अभी कुछ है ही नहीं, बना ही नहीं, तो जीरो जीरो इनिशियल, मतलब शुरू शुरू में बना होगा क्या, नहीं बना होगा ना, तो जीरो जीरो। अब उसके बाद कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, तो अल्फा जो है डिसोसिएशन अल्फा, यहाँ पर वन को मानो 100%, वन को क्या मानो 100%। अब वन जो है तो 100% में से क्या हुई, माइनस अल्फा होगा ना, मतलब 100% में से कितनी डिसोसिएशन होगी, अल्फा डिसोसिएशन है। तो सी जो इसका पहला जो इनिशियल था वो वैसे का वैसा रहा, और वन को 100% माना, वन माइनस अल्फा जितनी भी डिसोसिएशन हुई, तो यहाँ पर क्या बना, सी अल्फा, और यहाँ पर भी कितना, सी अल्फा, क्योंकि जितना ये बनेगा उतना ही ये बनेगा, और हमने मान लिया ये कितना बन गया, सी अल्फा, और ये भी कितना बन गया, सी अल्फा। ठीक है, अब अप्लाइंग लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के है, एक इसके बराबर हो जाएगा, ये वाले सबसे पहले हम लिखते हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये लिखते हैं। तो ये देखो ए पॉजिटिव एक्वस, ये बी यहाँ पे सॉरी नेगेटिव है, एक्वस अपॉन ए बी एक्वस, आप नोट्स में ये सही कर लीजिएगा, बी नेगेटिव लगा लीजिएगा, अपॉन ए बी एक्वस। अब हमारे पास ये इसकी इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन कितनी निकल के आई थी, सी अल्फा, और इसकी भी सी अल्फा, इसकी कितनी, सी वन माइनस अल्फा। अब यहाँ पर देखो ये हो गया सी और सी, ये बन गया यहाँ पर सी स्क्वेयर, और यहाँ अल्फा और अल्फा, अल्फा स्क्वेयर अपॉन सी वन माइनस अल्फा, यहाँ का सी का स्क्वेयर और यहाँ ये वाला सी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, सी अल्फा स्क्वेयर और अपन वन माइनस अल्फा। अब यहाँ पर देखो सीन्स फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट अल्फा इज़ वेरी स्मॉल कम्पेयर टू वन, वन से बहुत छोटा है, तो वन माइनस अल्फा इक्विवेलेंट टू वन ही हो गया, तो यहाँ पर के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वेयर, ये के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वेयर। ठीक है, ये वन के बराबर हो गया, तो सी स्केयर अपन वन, ये सी अल्फा स्केयर ही हो गया। तो यहाँ पर ये हो गया, ये के जो है ये आयोनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट है। अब अगर आपका जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो एसिड है तो आप के ए लिखोगे, और अगर आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट बेस है तो उसके लिए आप आयोनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट के भी लिखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।